भी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी, हंस भी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल रुठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज ढूंढ लो नई सुबह, गांव का नाम है मोहल्ला। साक्षरता अभियान की सफलता ने इस गांव में परिवर्तन की एक लहर पैदा कर दी है। सामाजिक उन्नति के रास्ते से होते हुए संपूर्ण आर्थिक उन्नति के राह तक, गांव के हर आदमी को आज एक नया जीवन मिला है। उनका गांव आज एक आदर्श गांव है, जहां हर रोज उगती है एक नई सुबह। कलकत्ता से थोड़ी ही दूरी पर है बीरभूम। बीरभूम जिले का एक नंबर मयूरेश्वर ग्राम पंचायत समिति की 133 गांवों में महुला आज एक आदर्श गांव है। साक्षरता सक्षमता एवं सचेतनता এখানে সাক্ষরতার সক্ষমতা और जागरूकता, यहां साक्षरता केंद्रों के माध्यम से जागरूकता और सक्षमता को जीवन की उन्नति के कार्यों में लगाया गया है। शिक्षा केंद्रों और शिक्षा चक्रों को यहां धारावाहिक रूप में सफलता के साथ चलाया जा रहा है। यहां की ग्राम कमेटी बहुत सक्रिय है। कमेटी हर बुधवार को यहां बैठक बुलाती है और लोगों की समस्याओं का निदान 7 दिनों के अंदर ही कर दिया जाता है। সমাধান করা যায় গ্রাম কমিটিতে, সেটা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করার পর আগামী 7 দিনের মধ্যে সেইগুলো সুষ্ঠুভাবে আবার সেই সমাধান করে। সেরকম একটা কেন্দ্রের জিআই হচ্ছেন নিখিল লেট। আমি নিখিল লেটকে তার কেন্দ্রের কোনো সমস্যা আছে কিনা বা इस गांव के 90% লোক সাক্ষরতা মিশন কে শিক্ষা কে স্তর কে অনুসার সাক্ষর হুয়ে হ্যায়। ইতনা হি নাহি, অর ভি বহুত রাস্তা তয় করনে কে বাদ अब वे धारावाहिक शिक्षा के साथ अपने को जोड़ सके हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रमों के साथ साथ प्रशिक्षण के माध्यम से योग्यता बढ़ाकर जिस तरह से उन्होंने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाया है, सारे जिले में वह एक उज्जवल उदाहरण है।
साक्षरता केंद्रों में साक्षर होकर यहाँ के नव साक्षरों में बहुतों ने मौजूदा शिक्षा का मान हासिल किया है। साक्षरता केंद्रों से साक्षरता केंद्रों के कुछ छात्र छात्राओं ने हमारे इस विद्यालय में भर्ती होने की योग्यता हासिल की है। हमने इन्हें पांचवी से लेकर सातवीं तक की विभिन्न कक्षाओं में भर्ती किया है, क्योंकि इनकी पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा था। साक्षरता केंद्र থেকে উপযুক্ত মান নিয়ে এই স্কুলে পঠন পাঠনের কাজে এগিয়ে চলেছে এবং তাদের পড়াশোনার মান যথেষ্ট উন্নতির দিকে সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। 1990 সালে রাখা আমাদের প্রথম পড়ে বাড়িতে 1990 में साक्षरता शुरू होने के समय मैं दिन में काम करता था और शाम को रात को पढ़ाई करता था। हमारे केंद्र में वॉलंटियर इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाया करते थे। तीन बार मैंने परीक्षा दी। एक बार बाहर के ब्लॉक से गौतम बाबू आए, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे, हमने भी कुछ सवाल उनके सामने रखे। उन्होंने कहा, तुम लोग साक्षरता केंद्र में अच्छी तरह पढ़ चुके हो, अब तुम स्कूल में पढ़ने के योग्य बन गए हो। গৌতম বাবু বলছে তোরা তো সাক্ষরতা থেকে বেশ পড়েছিস, তোদিকে স্কুলে স্কুলে পড়ার মতো এখন তোরা ছাত্র হিসাবে হয়েছিস। তারপরে तब ग्राम कमेटी ने बुलाकर कहा, तुम सबको स्कूल में भर्ती कराऊंगा, और हमें पांचवी कक्ष में भर्ती करा दिया गया। अब मैं सातवीं कक्ष में पढ़ रही हूँ। मेरा नाम फुलेश्वरी लेट। साक्षरता केंद्र में पढ़ने के बाद मैं सातवीं कक्ष में भर्ती हुई। मेरे माँ बाबा भी रात में पढ़ते हैं। एक ओर नियमबद्ध है और दूसरी ओर है नियमों से परे। महुला गांव में सांस्कृतिक तथा विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में समाज के सभी लोगों से जो उत्साह मिला है, उसका और एक उज्जवल उदाहरण है गांव की लड़कियों का फुटबॉल टीम। खेल कूद भी साक्षरता का एक अंश है जो लोगों को संपूर्ण होने में सहायक है। इस बात को इस फुटबॉल टीम ने प्रमाणित कर दिखाया है। यदि कम्युनिटी मना करे कि एटा ओदेर केंद्र, अगर लोग ये सोचते हैं कि ये केंद्र उनका है तो ये जरूर चलेगा और हमें इस कार्यक्रम में सफलता भी मिलेगी। और अगर हम ये नहीं कर सके तो पहले जो सेंटर बेस्ड प्रोग्राम हुआ करते थे उनका एक बुरा अनुभव हमारे साथ है, इसीलिए हमें इस बारे में बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है। धारावाहिक शिक्षा का कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हम उसे लोगों पर जबरन थोप रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिनके लिए ये कार्यक्रम है वो समझें कि ये सेंटर उनका है और इस सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है। गांव के गरीब लोग साक्षरता, साक्षरोत्तर तथा धारावाहिक शिक्षा क्रम को जारी रख सकें, इसलिए ग्राम समिति ने एक नई मिसाल रखी है। गांव के लोगों से चावल इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचकर उन पैसों को लेकर शिक्षा के काम में लगाया जाता है। इसे देखकर दूसरे गांव भी उत्साहित हुए हैं। अतः आर्थिक हालत अच्छी ना होने की वजह से इस गांव के किसी को पढ़ाई बीच में बंद नहीं करनी पड़ी है। Descent of a band of soldiers came to the railway station from some upland camp. They sang as they came marching along narrow lanes in the evening.
they reached the set by the sides of the stations and stood in row to gate. Inside the compartment, their faces looked grimly. এখন এই সাক্ষরতা কেন্দ্রের 1990 के पहले यहाँ के लोगों को शराब ने तबाह कर रखा था, खास तौर पर गरीबों को जो निरक्षर थे। वे शराब पीकर अक्सर मारपीट किया करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। लोगों ने शराब छोड़ दी है। यहाँ पर जो शराब की दुकान है वो अब बंद होने के कगार पर है। गांव के लोग अब वहाँ नहीं जाते। यहाँ पर ये सब हुआ लोगों में जागरूकता और शिक्षा आने के बाद। यहाँ के नव साक्षर और उनकी औरतों ने ही इसे बंद कर दिया। कोई दबाव नहीं डाला गया और न ही कोई शासकीय कार्यवाही की गई। সাক্ষরতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এগুলো সমস্ত কিছু কেটেছে। আজকে এখানে যে মদের দোকান ছিল সেই দোকানটা প্রায় বন্ধের মুখে। এখানকার গ্রামের মানুষ সেটাতে যায় না এবং এগুলো সবই কিন্তু বন্ধ হয়েছে এখানকার সচেতনতার মধ্য দিয়ে। সেখানকার যারা নবসাক্ষর সেই বাড়ির পড়ুয়া সেই বাড়ির মেয়েরা তারাই এটা বন্ধ করেছে। কোনো জোর জুলুম করতে হয়নি, কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নিতে হয়নি, তারাই এটার মধ্য দিয়ে এটাও কিন্তু বন্ধ করতে পেরেছে। हमारे गांव में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या 60% है, जो बिल्कुल निरक्षर थे। हमने ग्राम समिति के माध्यम से गांव में घूम घूम कर उन्हें समझा बुझा कर बहुत मेहनत के बाद साक्षर किया है। अब हालत यह है कि यहां का बच्चा बच्चा शिक्षा के प्रति जागरूक हो गया है। हम ऐसा माहौल बनाने में सफल हुए हैं। ये हमारे ग्राम समिति की सफलता है। हम लोगों ने पूरी तौर से शराबबंदी कर दी है। अब यहाँ के 90% लोग साक्षर हो चुके हैं। ग्राम कमिटी সাফল্য এটা ঠিক কথাই এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে মদ হুকিং এগুলা বন্ধ করে দিয়েছি। তার এগুলা মদ খেত এখন কেউ আর মদ খায় না। 90% লোক প্রায় আমাদের সাক্ষরের মধ্যে এসে গেছে। আচ্ছা, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে অভিনন্দন, আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। इस गांव के कईयों ने सिर्फ स्कूली पढ़ाई ही खत्म नहीं की, माध्यमिक पास कर अब वे कॉलेजों में भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि और नाम शेख उलीउल्ला, बाबा नाम शेख शामसुल जोहा, ग्राम आदिरापाड़ा, पोस्ट देवास। मेरा नाम शेख वालीउल्ला है। मैं वीरभूम जिले का वासिंदा हूँ। 1991 में साक्षरता केंद्र में मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद मैंने 5वीं कक्षा में भर्ती होने की कोशिश की, पर उस समय शिक्षा वर्ष केवल 3 महीने बाकी रहने की वजह से मुझे भर्ती नहीं किया गया। आखिरकार मैं 6वीं में ही दाखिल हो सका। वहां से 6वीं और 7वीं पास करने के बाद किसी दूसरे स्कूल से 1997 में मैंने माध्यमिक परीक्षा 2nd डिवीजन से पास किया और अब स्वामी अभेदानंद उच्च विद्यालय में 11वीं कक्षा में कला विभाग में पढ़ रहा हूँ। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की है। এবং বাড়ির আর্থিক অবস্থার জন্য আমি ঠিকমতো পড়াশোনা চালাতে পারছি না, তবু একটু পড়াশোনার দিক দিয়ে আগ্রহ এবং আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি। কোনো রকম অসুবিধা হলেও আমাকে সেটা সহ্য করতে হচ্ছে। नाम शेख वलीउल्ला। शेख वलीउल्ला तथा मोहम्मद अनवर बहुत ही गरीब होते हुए भी माध्यमिक दर्जा खत्म कर अब उच्च माध्यमिक दर्जे में पहुंचे हैं। हमने 7 वही होते आरंभ करे थे। তারপর ক্লাস 5 এ ভর্তি হলাম দবসতলা নিত্যানন্দ ব্রহ্মচর্য বলে একটা স্কুলে। মেরা নাম
मोहम्मद अनवर हुसैन है। मैंने साक्षरता की किताबें पढ़नी शुरू की थी, फिर मैं 5वीं कक्षा में भर्ती हुआ। उसके बाद एक दूसरे स्कूल में गया, वहां पर मैं पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। इसके बाद मैंने माध्यमिक परीक्षा पास की, जिसमें मुझे 579 अंक प्राप्त हुए। मुझे अब गर्व है अपने साक्षर और शिक्षित होने पर। ये सोचकर मैं हैरान रह जाता हूं कि मैं कभी अनपढ़ था। ऐसे कई कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स चालू हुए हैं और इस क्षेत्र में हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो वाकई होशियार हैं पर मौका न मिलने के कारण इतने दिनों तक केवल नव साक्षर स्तर पे थे, उस स्तर से ऊंचा उठकर कोई कोई अब माध्यमिक स्तर पर आ गए हैं और अब वे माध्यमिक के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हैं। ये सचमुच हम लोगों के लिए एक पुरस्कार है। हम जब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तब हमारे शासकीय स्तर पर डीएम महोदय स्वयं इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए हर तरह की मदद और नेतृत्व दे रहे हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ती है स्टेट रिसोर्स सेंटर तथा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के साथ क्या पढ़ाया जाना चाहिए इस पर हमने चर्चा की है और इस कार्य में कुछ लेखकों को भी शामिल किया गया है। इस बारे में जिन वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है उनमें भी शासकीय अधिकारीगण भाग लेते हैं। এই যে ওয়ার্কশপ গুলো সেখানে আমাদের এনএলএম এর বড় বড় যারা যারা আধিকারিক আছেন তারাও এসে যোগদান করেছেন। यहाँ जो मेडिकल टीम है उसे साक्षरता केंद्र और ग्राम समिति ही संचालित करती है। अगर कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज तथा उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सब डिविजनल अस्पताल में दाखिल कराना इसी मेडिकल टीम का काम है। इलाज के लिए पैसों का प्रबंध भी ग्राम समिति ही करती है। समिति के संपन्न सदस्य मेडिकल टीम को ये पैसा उपलब्ध कराते हैं। इसके सिवाय स्वास्थ्य रक्षा के प्राथमिक ज्ञान, पर्यावरण आदि सभी कुछ ग्राम कमेटी आपस में चर्चा करने के बाद तय करती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हमने माताओं को सूचित किया है, जैसे कि गर्भवती होने पर माताओं को सुई लेना होगा। स्वास्थ्य केंद्र में जाकर हम सब ये व्यवस्था करते हैं। छोटे बच्चों को खसरा का टीका, डीपीटी, बीसीजी इत्यादि लेना क्यों जरूरी है, मदर्स मीटिंग बुलाकर माताओं को हमने ये समझाया है। हमारे केंद्र से जो शिशु आहार CHP दिया जाता है वो अच्छा है, उससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चों का मैं हर महीने वजन लेती हूँ, वे स्वस्थ हैं, अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। बस कमी है तो सिर्फ जगह की। एक ऐसी जगह चाहिए जहां बच्चे कुछ समय के लिए आकर आराम से रह सकें। यही मेरी समस्या है। और शौच वगैरह के लिए किसी जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के चार मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है इक्विबैलेंसिंग प्रोग्राम। इसका अर्थ है ऐसे छात्र छात्राएं जो नव साक्षर हुए हैं वे स्कूलों में 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक जा सकते हैं। उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए औपचारिक शिक्षा में प्रवेश कराना जरूरी है। दूसरा हुआ इनकम जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत वे स्वयं ही उनके पास जो जो रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से ऐसा कुछ करें जिससे कि अपने रहन सहन का दर्जा ऊंचा करने के लिए कुछ आय बढ़ा सके। इस प्रकार की आमदनी बढ़ाना शहर की आमदनी बढ़ाने जैसा नहीं है। गांवों में जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ही द्वारा वहाँ की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है वैसे ही आपके मन में ये भावना आ जाती है कि मेरे रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए और साथ ही साथ ये भावना भी कि मुझ में जो खास कर्म कुशलताएं हैं उनका भी समुचित विकास और उपयोग होना चाहिए।
রেখে যেন আমরা একটা ফলো আপ করতে পারি এই রকমের প্রোগ্রাম। মুখ্য তো এই চারটে বিষয়, কিন্তু যেহেতু জিনিসটা একেবারে নতুন এবং এই জেলার একেবারে প্রথম, একেবারে ফোর রানার, সেই জন্য পুরো জিনিসটা আমাদের ট্রায়াল এন্ড এরর এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে করতে হয়েছে। না না না, আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না এই অসম্ভব পরিবেশে মানুষ বাস করতে পারে। আমি চিন্তা করতে পারি না, সিনেমা থিয়েটার পার্টি সোসাইটি কিচ্ছু নেই। না, আমি আর এক মিনিট এখানে থাকবো না, এখনই কলকাতা চলে যাব। কি হলো রে ক্যাস্টো, তাড়াতাড়ি সুটকেসটা নিয়ে আয়, কেনে টাইম হয়ে গেল যে। তোমার ঘড়ি বোধহয় ফাস্ট যাচ্ছে চিত্রা। তুমি, তোমাকে দেখতে এলাম। আমি তো ভাবতেই পারি না কুমুদ, কি ব্যাপার হঠাৎ এখানে চলে এলে? তোমাকে দেখতে এলাম। বাজে বকুনা তো। বাজে নয় সত্যি চিত্রা, বিশ্বাস করো শহর থেকে প্রাণটা আমার হাঁপি উঠেছিল, তাই ভাবলাম আমার চিঠির কাছে আমি চলে যাই। খুব হয়েছে ক্ষমতা, চিঠির জন্য ভেবে ভেবে বাবু ছাড়া কালি হয়ে গেছে, মৃত্যু কোথাকার। চিঠি তবু যদি চিঠি দিয়ে তার জবাব পাওয়া যেত। তুমি রাগ করেছো চিত্রা, বিশ্বাস করো আমি মিথ্যাবাদী। হাত ছাড়ো, আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলবো না। ঠিক আছে, কথাটা তাহলে বাবাকে বলেই যায়। কথাটা অবশ্য দারুণ বেদনাদায়ক, তবু না বললে উপায় নেই, কারণ বাবার মুখের উপর আমি কথা তো বলতে পারি না। তিনি নিজে দেখে মেয়ে পছন্দ করেছেন, মেয়েটা অবশ্য দারুণ, চোখ দুটো অপূর্ব। তার মানে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে? ননসেন্স। কে ভিডিওকে তুমি ননসেন্স বলছো? জানো আমি তোমাকে এখন অ্যারেস্ট করাতে পারি। তার আগেই তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম। নমস্কার স্যার। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यों के साथ जुड़कर इस गांव के लोग नाटक तथा गानों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। और इसी तरह महुला गांव ने सिर्फ आसपास के गांव में ही नहीं पूरे बीरभूम जिले में एक आदर्श गांव होने का उदाहरण कायम किया है, जो सारे पश्चिम बंगाल के लिए एक गर्व की बात है। ইচ্ছে করে দু একটা ফুল আপনি নিতে পারেন? পারি না? পারো না? इस गांव के कलाकार अपनी आवश्यकताओं और जरूरतों के मुताबिक नाटकों या गानों के विषय वस्तु का चयन करते हैं। धारावाहिक शिक्षा क्रम सामयिक नहीं होता, हर दिन हर पल रोजमर्रा के कामों में हमें इसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। इस बारे में आम जनता को जागरूक रखना ही इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का स्वरूप केवल मात्र मनोरंजन का न होकर एक भिन्न स्तर का होता है, और तब कहीं धारावाहिक शिक्षा कार्यक्रम सार्थक होता है। সরকার ওদের কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে গ্রামের কাজের চাষের উন্নতির জন্য, সেটা মনে রাখতে হবে। বাহ, বাহ করে ছেড়ে দেবেন না স্যার। সুট বুট খুলে মাটির কাদা রাস্তায় নেমে গোটা গ্রামটা আপনি ঘুরে আসুন, ওই গ্রামটা যেন মরে গেছে। মরা গ্রামকে আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে স্যার, গ্রাম না বাঁচলে শহর বাঁচবে না। তাই তো আমি বলি। কি বলেন? আমরা গ্রামের মানুষ সবাইকে গ্রামে ফিরে আসতে বলছি। এখানে অনেক কিছু আছে, সারা জীবন শহরে খুঁজে যা পাবে না, এখানে তো আছে। এখানে আছে মা, মাটি, মানুষ। নমস্কার স্যার, কথাটা মনে রাখবেন। আগামীকাল থেকে আমাদের কলকাতার বাসায় কোথায় থাকবে সুন্দরী সাবিত্রীর লজ্জা? मनुष्य की शक्ति असीम है, और वो मनुष्य अगर एक साथ मिलकर एक ही आदर्श को लेकर आगे बढ़े तो उनके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। और ये हम महुला गांव तथा उसकी सफलता एवं उसके जनसाधारण को देखकर आसानी से समझ सकते हैं।
जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी हंस भी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में है बीत जाए दिन।